हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और मॉर्निंग में मैं उठ चुका हूँ, नहा धो के रेडी हो गया हूँ, पूजा भी मैंने कर ली है एंड अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। ब्रेकफास्ट में कर रहा हूँ दलिया का। तो पिज्ज़ा बेस यार मैं ऑर्डर कर रहा था स्विगी मार्ट से, बट वहाँ पे है नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है। कुछ ही बेस हैं, उसमें दो तीन ही बेस पड़े हुए हैं, तो वो उतना से मेरा काम नहीं होगा, तो मुझे मार्केट ही जाना पड़ेगा अभी। तो देन मार्केट निकलता हूँ, देन फिर आपसे बात करता हूँ। तो भाई कल तो नहीं आ पाया था मैं एटीएम में, बट आज आया हूँ एटीएम से पैसे निकालने। तो बस आ जा भाई, जल्दी आ जा। तो ये आ चुके हमारे पैसे, गाइस आ गया मैं एंड एटीएम से पैसे निकाल के लाया हूँ मैं। ये दे रहा है ब्रो, ये देखो। अब ये बताना कि कितने पैसे लग रहे हैं आपको, कितने हो सकते हैं ये? देखो इतने हैं, अब बताना कि ये कितने हो सकते हैं, आपको क्या लगता है कि कितने होंगे? चलो देन बेस में मुझे मिल गया है, देखो ये रहा। बेस का काफ़ी स्टॉक था भैया के पास आज, ये बेस भी लेके आ गया हूँ मैं काफ़ी। तो चलो इतने में हो जाएगा आज का मेरा, देन फिर आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में। मुझे यार आलू की टिक्की बनानी है, वो भी ख़त्म हो गई यार, अब वो ही बनाना पड़ेगा दोबारा से स्टॉक में। चलो देन बनाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। गाइस मैं पी रहा हूँ ये नारियल पानी, मम्मी लेके आई है। तो चलो नारियल पानी पीते हैं, और क्योंकि अभी लाइट है नहीं तो मैंने भी क्लाउड किचन को थोड़ा सा ऑफ कर रखा है, देन उसके बाद फिर जब लाइट आती है तो स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। गाइस यार अभी मैंने ऑर्डर दिया है एंड भाई आज तो समझ नहीं आया, लाइट इतनी देर तक चली क्यों गई? अभी मतलब शाम में लाइट आई है, और क्या बोलते हैं, बहुत टाइम लग गया लाइट में, इतनी मतलब देर तक लाइट जाती नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि एम्बेसी का काम चल रहा है, जिस वजह से लाइट मतलब कि चली गई थी। तो चलो अभी मेरे पास एक ऑफलाइन ऑर्डर आने वाला है, क्योंकि सामने वाले का मतलब आंटी उनका कॉल आया था अभी कि पिज्ज़ा ऑर्डर करना है, तो मैंने बोला ठीक है। तो वो देख लिया मेन्यू वगैरह, उनको शेयर कर दिया है मैंने, वैसे है उनके पास, तो वो देख के मुझे भी बताएंगी कि कौन सा पिज्ज़ा उनको चाहिए। तो चलो देन फिर बात करते हैं, अब बनाता हूँ देन पिज़्ज़ा वगैरह, देन फिर आपसे बात करता हूँ। तो गाइस अभी अभी ऑर्डर दिया मैंने, और एक बर्गर उन्होंने किया था एंड एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था उन्होंने, तो मैंने दे दिया, बाकी देखते हैं। बोला है मैंने उनको कि बताना अपना फीडबैक देना आप कि कैसा लगा क्या लगा, तो देखते हैं क्या बोलती है फिर वो। बाकी देखो बर्गर के लिए तो सारे अच्छा ही बोलते हैं, कोई अभी तक ख़राब नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला अभी तक ख़राब। चलो देन देखते हैं क्या बोलती है वो, बाकी मैं साफ सफाई कर लूँ थोड़ी यहाँ पे। और आज मैंने वीडियो भी शूट नहीं की, मतलब कि आपसे बात भी बहुत, आज आपसे बात भी बहुत कम हो पाई है क्योंकि लाइट नहीं थी यार। तो चलो देखते हैं। और काफ़ी सारे लोग ना मुझसे ये बोलते हैं कि आपकी मतलब ये जो क्लाउड किचन है इससे कितनी इनकम हो जाती है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई मेरी क्लाउड किचन आखिर कितनी इनकम हो रही है, क्योंकि लोगों को मतलब ये जानना है कि अगर हम करते हैं तो हम कितना कमा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब वगैरह छोड़ के करना चाहते हैं, तो बेचारे नहीं पता उनको कि भाई इनकम है भी कि नहीं है। तो मैं बता दूंगा आज, अभी थोड़ा टाइम मिलेगा मुझे तो आराम से इस बारे में हम बात करते हैं। आंटी का कॉल आ गया कि एक काम करो दो पिज़्ज़ा और बना दो, इतना पसंद आ गया उन्हें पिज़्ज़ा कि अब मैं दो पिज़्ज़ा देखो और बनाने जा रहा हूँ। चलो अब बनाता हूँ देन फिर आपसे बात करता हूँ। अभी मैं ऑर्डर दे के आया आंटी को, एंड आंटी ने बोला कि भाई बर्गर और पिज़्ज़ा तो बहुत ही अच्छा लगा उनको, एंड उनके जो बच्चे थे उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो चलो बढ़िया है कि अच्छा लग रहा है उनको। बाकी तभी मुझसे दो पिज़्ज़ा और करवा दिया, और उन्होंने मुझसे बोला कि कौन सा पिज़्ज़ा करोगे, मैंने बोला कौन सा पिज़्ज़ा वैसे कर दूँ, तो उन्होंने बोला कोई भी पिज़्ज़ा कर दो जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने बोला कि होम रसोई स्पेशल पिज़्ज़ा कर देता हूँ, एंड देन वो पिज़्ज़ा भी खाया उन्होंने और बहुत अच्छा लगा। मैं वहीं पर था, घर पर गया था उनके, तो मैंने बोला आप यहीं पे मेरे को रिव्यू भी दे दो इसका कि कैसा लग रहा है आपको, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा लग रहा है, उनके बच्चों ने खाया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो चलो अब ये पूरा गंदा हो गया है, पूरा गंदा हो गया है, देन फिर आराम से साफ सफाई करता हूँ, देन फिर आपसे बात करता हूँ। तो गाइस आज का ये मेरा लास्ट ऑर्डर था जो कि मैंने दे दिया है। ऑफलाइन ऑर्डर आज मेरे पास काफ़ी आए थे एंड ऑनलाइन भी थे, बट ऑफलाइन उसके कंपेरिजन में ज़्यादा थे, मतलब ज़्यादा क्या थे, मतलब बल्क ऑर्डर ज़्यादा था, मतलब बड़े ऑर्डर ज़्यादा थे, ऑफलाइन के छोटे थे। तो मैं आपको ये बता देता हूँ जो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपकी क्लाउड किचन में कितनी इनकम है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यार जॉब वगैरह छोड़ के आते हैं इस लाइन में, या फिर सोचते हैं कि हम जॉब छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें जॉब नहीं करना होता, या फिर जॉब में यार आप सभी को बताएं कितनी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो वो सोचते हैं कि यार जॉब छोड़ के मैं ये करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं रेंट पे किसी और लोकेशन में रहते हैं, तो उस लोकेशन से शिफ्ट होके किसी दूसरी लोकेशन में सोचते हैं कि मैं अपने क्लाउड किचन को ओपन करूं, तो पूछते हैं कि कितना आप कमाते हो इसमें, क्या ये प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं है। काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यार देखो कोई भी बिज़नेस अगर आप करते हो तो उसमें आप सबसे पहले यही देखोगे कि ये प्रॉफिटेबल बिज़नेस है भी या नहीं है। अगर नहीं होगा तो यार वो कोई भी मतलब नहीं करेगा,
क्या होगा, मतलब प्रॉफिट अगर होगा ही नहीं तो कौन करेगा फिर वो बिजनेस, कोई नहीं करेगा। तो लेकिन हर कोई ना जानना चाहता है, हर किसी को नॉलेज नहीं होती है क्लाउड किचन के, और जो कमा रहा है वो बताना नहीं चाहता कि भाई मैं इतना कमा रहा हूँ, कोई नहीं बताता है आज की डेट में कि भाई मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ। बट ऐसा नहीं समझता हूँ मैं, ये समझता हूँ कि अगर मैं अपनी चीज़ें शेयर करता हूँ लोगों के साथ तो उससे यार देखो एक तरीके से ना नॉलेज अगर आप बांटोगे तो और बढ़ती ही है, उससे कम नहीं होती है जो बाकी लोग सोचते हैं। जो बाकी ऐसा कोई क्लाउड किचन वाले मैंने कितनी सारे मतलब चैनल देखे हैं, बट कोई भी है ना ऐसी अंदर की चीज़ें नहीं बताता है, बहुत चीज़ें जो सोचते हैं कि पता नहीं मैं बता दूँ खजाना है कोई है। अरे ये कोई खजाना नहीं होता है, किसी को नॉलेज, आप किसी को अगर नॉलेज दे रहे हो तो यार आप किसी से ब्लेसिंग ले रहे हो, उनका आशीर्वाद मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए। अरे लाइफ में हमेशा पैसा पैसा पैसे के पीछे मत भागो, हर चीज़ पैसा नहीं होता है, सुकून भी होता है लाइफ में कि आपको सुकून से रहो। जीवन में यार बहुत चीज़ें होती है, हर चीज़ पैसे से ही नहीं की जा सकती है। लोग के पास तो बहुत पैसा है फिर भी उन पर टाइम नहीं है फैमिली को देने के लिए, क्या फ़ायदा फिर ऐसे पैसों का। बड़े बड़े लोग देख लो आप लोग, उनके पास पैसा भी है सब कुछ है, बट साथ में कब खाना खाया है उन लोगों ने उनको पता ही नहीं है, टाइम नहीं दे पाते अपने बच्चों को वो भी नहीं पता है उनको। अब मूवी तो आपने देखी होगी, वो जो मूवी अभी बीच में एनिमल आई थी रणबीर कपूर की, वो देखा था ना आपने क्या चल रहा था उनके, उसके फादर उसको नहीं टाइम दे पा रहे थे। तो यार ये सब चीज़ें ना मतलब देख के ही बनती है, कोई भी मूवीज वगैरह बनती है तो देख के ही बनती है, ऐसे नहीं बन जाती है। मतलब टाइम वगैरह ये सब बहुत मैटर करता है इन सब चीज़ों में। तो किसी को अगर आप नॉलेज दे रहे हो तो किसी कोई आपको अच्छी ब्लेसिंग ही देगा, आशीर्वाद देगा कि यार बंदे ने मेरी हेल्प करी है इस चीज़ में। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ बोल दोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपका बिजनेस नहीं चलेगा, यार बिल्कुल चलेगा। भगवान का अगर हाथ आपके ऊपर होगा तो सब कुछ चलेगा। अगर बात की जाए देखो मेरी इनकम की, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैं भाई कोई पैसा नहीं कमा पा रहा था, ब्रेक इवन पे चल रहा था, धीरे 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 इसमें प्रॉफिट हुआ मुझे। प्रॉफिट होते होते आज की डेट की अगर मैं बात करता हूँ तो आराम से इसमें मैं मतलब 30 से 35 हज़ार रुपये आराम से इसमें कमा सकते हो आप लोग, अगर आप करते हो तो अच्छे से काम। ये नहीं कह रहा पार्ट टाइम तरीके से करोगे तो देखो उसकी गारंटी मेरे को मतलब उसका मुझे नहीं बताया पार्ट टाइम का कि उसमें आप कितना कमाओगे, क्योंकि अगर जो बंदा फुल टाइम करता है उसके पास ही कुछ ऑर्डर्स आते हैं, और पार्ट टाइम वाले के पास मैं नहीं बता सकता कि ऑर्डर आएंगे कि नहीं आएंगे। इसलिए अगर आप फुल टाइम तरीके से करते हो तो उसकी श्योरिटी दो कि भाई इसमें प्रॉफिट आपको मिलेगा मिलेगा। मैं तो अगर 35% लेता भी है तो आप ये देखो कि भाई हमको कोई रेंट पे नहीं लेना, जगह नहीं ले रहे हो आप, कोई भी स्पेस नहीं ले रहे हो, उसका बच रहा है। कमर्शियल आपने मीटर नहीं लगाया है उसका बच रहा है, आपके पास कोई कमर्शियल ओवन नहीं है उसका बच रहा है, बहुत सब चीज़ों का बच रहा है। आप पे इसमें लेबर कॉस्ट नहीं है, किसी को सैलरी नहीं देनी है, बहुत चीज़ें इसमें आपकी बच रही है। तो वो सब जो बच रही है वो सब प्रॉफिट का पार्ट बन जाता है, जो कि जाता है आपके जेब में, ठीक है। तो यही सब चीज़ें होती है। सारे लोग ये भी बोलते हैं जिसको नॉलेज है नहीं कि भाई नहीं क्लाउड किचन में तो कोई प्रॉफिट ही नहीं है। प्रॉफिट है बिल्कुल अगर आप करोगे ढंग से, ये नहीं कह रहा हूँ कि बीच बीच में आपने गैप कर दिया है, या फिर आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने पूरे 1 से लेकर 7 तारीख तक में एक वीक में आप क्या कर रहे हो, आपने पार्ट टाइम तरीके से 2-2 घंटे काम किया है, तो उसमें हो सकता है कि आपके पास 4 ऑर्डर भी आए, हो सकता है 2 भी आए, हो सकता है कुछ ना आए, 0 आए बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें भी होती है इसके अंदर। देखो जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे अपने बिजनेस में उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे, और जितना कम टाइम दोगे उतना कम प्रॉफिट आप कमा पाओगे, हो सकता है ना भी कमा पाओ, ब्रेक इवन में चलो। स्टार्टिंग में तो देखो ब्रेक इवन में ही चलोगे, लेकिन मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोगों की हेल्प की है, ठीक है, आप मानोगे नहीं कि उन लोगों ने स्टार्ट किया अपना बिजनेस और भाई स्टार्टिंग के मंथ से ही प्रॉफिट वो कमा रहे हैं। तो कुछ टिप्स होती है, कुछ बिजनेस की ट्रिक्स होती है जो कि आप लोगों को करनी पड़ती है, तो आप बिल्कुल प्रॉफिट इसमें कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रॉफिट है ही नहीं इसमें, इसकी नॉलेज है कुछ लोगों को, इसकी नॉलेज नहीं है, कुछ बोलते हैं कि इसमें प्रॉफिट है, कुछ बोलते हैं कि इसमें प्रॉफिट नहीं है। तो प्रॉफिट है इसमें, आप कर सकते हो आराम से अगर आप करना चाहते हो अपना क्लाउड किचन। तो बाकी किसी को कोई भी इशू आता है तो वो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है कि भाई किसी को कोई भी इशू आता है क्लाउड किचन को लेकर तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकता है। और यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी मैंने मेंशन कर दी है, तो जाके मुझे फॉलो कर लो, और बातचीत करनी तो वहाँ बात करो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है तो वो भी जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और मुझे आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। इसलिए नहीं मिला था क्योंकि लाइट नहीं थी और ऑर्डर्स भी बहुत आ गए थे उसके बाद, तो फिर मैं नहीं शूट करवाया था वीडियो, इसलिए मैंने इसमें ही आपको सारा कुछ बता दिया है। तो चलो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके बाय।